पति देव की फरमाइश है कि चटनी बना देना मेरे लिए, पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं सोचू चाय बना लेती हूँ अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली। बाबू मौसम अच्छा हो रहा है ना? मौसम तो अच्छा है लेकिन आपको पसीने कितने आ रहे हैं? ले जाओ तुम इसको। ओए, और आई थिंक सबका फोन ही है फ्रेंड बन चुका है, सब फोन में लगे रहते हैं, लैपटॉप में, टीवी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 से ऊपर का टाइम हो गया, ठीक है। और मैं खुद पहले दूध गर्म कर रही थी, तो दूध पिलाना है, उसके बाद खाने वाने की तैयारी करूँगी। पति देव गए रोटी, जल्दी चले गए थे मॉर्निंग में, तो खाना भी जल्दी बना लूँगी ताकि वही उन्हें जैसे बॉय उन्हें खाना मिल जाए। बाकी कुकू यहाँ अपना कार्टून देख रही है, दूध दूध कर रही थी, तो सोचा दूध गर्म करके पिला देती हूँ फटाफट, फिर खाने वाने की तैयारी करूँगी। और तबीयत ठीक है मेरी पहले से, थोड़ी सी कमज़ोरी है बॉडी में, लेकिन केले मंगा लिए थे मैंने, ये रखे हुए हैं पीछे, तो मैंने खाए भी, मॉर्निंग में भी खाया था और कल भी खाया था, तो थोड़ा सा बेटर है। लेकिन वो ये ना कि लूज मोशन लगते हैं तो बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है, तो वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आज मॉर्निंग में हिम्मत नहीं हुई तो योगा भी नहीं कर पाई, लेकिन शाम को करूँगी, ठीक है। A few moments later. चलो जल्दी चलो कुकू। अच्छा रख के आ रही है स्केच अपने। मेरी बेटी में एक खासियत है, वो जो चीज़ जहाँ से उठाएगी वहाँ पर रख भी देगी, पर अपनी समझदारी से, अगर मैं बोलूँगी तो नहीं रखेगी, ठीक है। तो अभी पतिदेव की फरमाइश है कि चटनी बना देना मेरे लिए, और चटनी और रोटी खाने का मन है उनका। हालाँकि मैं वैसे पालक का साग बनाऊँगी आज, लेकिन मैं चटनी बना दूँगी, तो घर में धनिया और हरी मिर्च खत्म हो गई थी, तो सोचा चली जाती हूँ, ठीक है, पास में आंटी के पास। तो जा रहे हैं मम्मी बेटी। कुकू आपको छोड़ जाऊँ मैं यहीं पे ही? मुँह पे देखो पूरे स्केच लगा रखा है, तुझे तो नीला धुला के भी तैयार कर दो, तू वैसी बन जाती बंदर सी ना, मम्मा लेगी ही नहीं। देख कैसे हाथ कर रखे हैं, कपड़े भी कैसे कर रखे हैं लड़की, कोई कहेगा मम्मा ढंग से नहीं रखती। इही 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 नौटंकी। चलो गाइस होके आती हूँ जरा, ठीक है। चलो तो गाइस पतिदेव आ गए हैं, खाने में आज है पहले सलादी देख लो, फिर चावल और साग है जो पतिदेव ने खा भी लिया, रोटी है, चटनी है, रायता है। चटनी के साथ रोटी खानी थी आशीष जी को, तो इसलिए वो बनाई है, चावल के साथ इन्हें साग पसंद है इसलिए वो बनाए हैं। अच्छा चलो आप इंजॉय करो, ठीक है, भूख लग रही थी इसलिए रैंडमली सब कुछ ले आई। चलो गाइस मिलते हैं खाने के बाद। गुड इवनिंग गाइस, और अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं, ठीक है, कुकू सो के उठी अभी, और मुझे तो पूरे दिन में नींद ही नहीं आई, तो मैं तो सो ही नहीं पाई थी, और पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं सोचू चाय बना लेती हूँ अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली, और पतिदेव बोलने लगे मेरे लिए बना लेना फिर, तो दोनों के लिए बनाऊँगी। और मीठा कम गिरना ऐसा पतिदेव ने ऑर्डर दिया है, तो उनकी बात माननी पड़ती है, ठीक है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है बाहर का, आज सुबह से ऐसे धूप आ रही है जा रही है, तो बारिश तो नहीं हुई अभी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत बूंदें दिखी थी, तो बस ऐसा मौसम हो रहा है, चाय बनाते हैं। वैसे तो मौसम पकौड़ों का भी है, लेकिन पकौड़े हम खाएंगे नहीं, ठीक है, पकौड़े नहीं खाएंगे हम। एक्चुअली कुकू सोके उठते ना तो मेरी गोदी में ही चढ़ती है, और ऐसे हालात में मुझे उठाना तो नहीं चाहिए इसको, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ, अब बच्चे को देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसे बिठाती हूँ अभी और चाय वाय बनाती हूँ, और मज़े लेते हैं, ठीक है, मतलब मौसम के मज़े और किसी के नहीं। बाकी इन्हें ड्यूटी शायद निकलना है, तो खाना वाना ही बनाना पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी करते हैं। यार क्या करें, ज़िंदगी में और कुछ नहीं रहा ऐसा लगता है। है बेटी, खाने के अलावा कुछ रहा मम्मा की ज़िंदगी में? खाना पकाओ, खाओ, सो जाओ, बच बच। और देख लो सुबह से बादल आए जा रहे हैं, लेकिन बारिश आने का नाम नहीं ले रही है। आ जा भाई बारिश, और देवान की भी वहाँ इंतज़ार कर रही है बारिश का कि कब आएगी। Meanwhile. चलो बेटी गम गम चाय पापा के लिए लेके जाएंगे। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, बाहर बैठ के पियेंगे गाइस। बहुत थोड़ी थोड़ी चाय बनाई है मैंने ताकि हम पी पाए, कुकू बीच में बैठ गए हमारे। गए बाबू मौसम अच्छा हो रहा है ना? मौसम तो अच्छा है लेकिन आपको पसीने कितने आ रहे हैं? बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी तो हो रही है, क्या कर सकते हैं, पर मौसम तो बारिश का होगा पूरा, भगवान करे बहुत तेज बारिश आ जाए। हाँ।
गम है गम। कुकु का फेवरेट सॉन्ग बन गया ये। मौका मिले कभी कभी। गुड्डू मुझे दे मामा को, पापा को कौन देगा मुझे? पापा को भी दो, चलो पापा को कौन देगा? दे रही बाबू मुझे आपको, पूरे तो पसीने में हो रहे हो आप। पहुंच रही है हाँ दीदी, चाट भी लिया फंसी नाम का। भोला बच्चा मेरा, भोला भोला है, हाँ भोला है तू तो बोल। कुकु क्या बोल रहे थे आप अभी? क्या लिखे मम्मा को लिख दो, कुकु लिख दो, कुकु लिख दो इस पे हाथ पे, कुकु लिखो घुसा दिया इसने मेरे हाथ में। बोल कुकु क्या लिखा ये? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कुकु कुकु बोलना बेटे, कुकु अब नहीं बोलेगी, अब चाहे धरती आसमान एक हो जाए पर अब नहीं बोलेगी। हटा, थोड़ी देर पहले अपना नाम ले रही थी, कुकु कुकु कितनी बार बोला हाँ। क्या कुकु कुकु दे कुकु लाकु, क्या लाकु? कुकु बोलो, आये लाकु सुना, कुकु बोलो के यू, कुकु कुकु क्या लाकु? नहीं बोलना भाई कैमरा के आगे, नहीं बोलना चाहे कुछ भी हो जाए। बारिश ने तो हमारे ना बेवकूफ बना रखा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे जमीन गीली करने आ रही है बस। कुकु भैया बुला रहा, देख बाहर जल्दी जाओ, भैया बुला रहा। ओए लड़की क्या कर रही है वहाँ पे? उंगली फंसाएगी वो, क्या करने लगी है? चल, चल। देख भैया बुला रहा, भैया भैया बुला रहा है, सोना ले जाओ तुम इसको। ओए क्या हो गया, क्या हुआ, क्या किया तुमने भाई? तू कैसे डरी है? पूरा डर गई। क्या हुआ कुकु? नहीं गम्मी मारा, किसने मारा, किसने मारा मेरे बेटे को? तो गाइस अभी कुकु गई है जहाल के पास, ठीक है, मतलब उसे ले गई जहाल और आशीष भी चले गए ड्यूटी, मैं हूँ घर पे अकेली। और मुझे अपने लिए खाना बनाना है और पति देव के लिए बनाना है, क्योंकि उन्होंने बोला मैं आके खाऊंगा। तो बस बारिश तो अभी हो ही रही है, ऐसे ही कर रही है, बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसे ही हो रहा है। मेरे एक्चुअली पेट में ना दर्द होना स्टार्ट हो गया फिर से, और आई थिंक लूज मोशन ठीक ही नहीं हुई अभी तक ना, और तो बस अभी कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब जो बीमारी हुई है उसे फेस तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ और कल मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है? अभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं मिली तो आज योगा भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि पेट मतलब शरीर भी साथ नहीं दे रहा और पेट तो दे ही नहीं रहा है, ठीक है? दोनों की बैंड बली बड़ी है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाह रही थी कि यार हम मतलब अगर मैं बात करूँ
मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या सोचती हूँ आज के टाइम में, कि आज के टाइम में आपका कोई दोस्त ही नहीं है जिससे आप बात कर पाओ, जिससे आप अपने मन की बात कुछ कह पाओ। जैसे मैं अभी घर में हूँ, अकेली बैठी हूँ, तो मेरे पास ऐसे कोई है ही नहीं। अगर है भी फ्रेंड्स तो उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। किसी के पास टाइम है तो सब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुन रहा है तो मज़े लेने के लिए सुन रहा है सर। और आई थिंक आज के टाइम में ना सब मज़े लेने के लिए सुनते हैं आपकी बात। अगर कोई सुन रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए या फिर मज़े लेने के लिए, ये दो ही चीज़ हो सकते हैं, उससे अलग और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी मन की बात ना यहाँ बोल देती हूँ। अब सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको कोई रोक नहीं रहा है बोलने से और ना कोई रोक सकता है। तो मैं आप लोगों से अपनी मन की बात कर लेती हूँ। मैं कभी कभी बहुत अकेला फील करती हूँ, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। मतलब कुछ है जैसे ज़िंदगी में कुछ अधूरापन है मेरी लाइफ में जो पूरा नहीं हो पा रहा है, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, बस फ़ोन ही है जिसे मैं अपना दोस्त बना सकती हूँ, क्योंकि वो बैटरी लो होने पर ही मेरा साथ नहीं देता है, पता वरना वो पूरा टाइम मेरा साथ ही देता है फ़ोन, ठीक है। और आई थिंक सबका फ़ोन ही है फ्रेंड बन चुका है। सब फ़ोन में लगे रहते हैं, लैपटॉप में, टीवी में, इन्हीं चीज़ों को हमने दोस्त बना लिया है। हम बाहर एक्टिविटी कुछ करते ही नहीं, हम किसी से मिलने नहीं चाहते, बोलते नहीं हैं, और बोलते भी हैं तो यार सब ना फ़ायदा उठाते हैं। मुझे वहाँ बहुत गुस्सा आता है अगर मैं किसी से अपने दिल की बात कह दूँ और वो कहीं अंटसंट पकते तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है। मुझे बहुत मतलब जो चुगली कर देता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस इंसान पर। तो इसलिए मैं अपनी मन की बात किसी से नहीं बोलती, मुझे लगता है फिर अपने अंदर ही रख लो, ठीक है। कम से कम अपने पास तो है ना, किसी और के पास नहीं है। किसी और के पास ये कहने का मौका नहीं है कि इसने अपनी दिल की बात मुझे बताई थी, वो कमज़ोरी बन जाती है इंसान की। तो इसलिए हर बात को अपने अंदर रख लो, दबा लो, हो सके तो पूरा कर लो सपनों को अपने। तो बस अब आज का ज्ञान हुआ पूरा। तो मिलेंगे आपको कल, ठीक है। क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं खाना भी जैसे तैसे बनाऊँगी हिम्मत करके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत जाना चैनल को। गाइस बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए। और गर्मी की वजह से लूजमोशन हो गया मुझे, ऐसा लगता है कुछ खा लिया होगा मैंने। वैसे तो मैं कुछ खा ही नहीं रही बाहर का, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लूजमोशन हो गया मुझे। तो चलो बाय बाय।